अभिनेता सैफ अली खान ने कहा है कि तानाजी द अनसंग वॉरियर में इतिहास के तथ्यों को लेकर की गई छेड़छाड़ खतरनाक है। सैफ ने कहा कि मेरा मानना है कि इंडिया की अवधारणा अंग्रेजों ने दी है और शायद इससे पहले नहीं थी। सैफ अपने इस बयान के बाद लगातार ट्रोल हो रहे हैं। तारिक फतेह के बाद अब बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने उन्हें निशाने पर लिया। मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुर्क भी तैमूर को क्रूर मानते थे, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर के नाम पर रखते हैं। तैमूर के नाम को लेकर विवाद पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी उनके नाम को लेकर सवाल उठ चुके हैं। करीना ने नाम को लेकर उठे विरोध के बाद कहा था, मुझे इस नाम का मतलब पसंद आया, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। मीनाक्षी लेखी से पहले तारिक फतेह ने सैफ को ट्रोल करते हुए कहा था, बॉलीवुड में इतिहास के जानकार हैशटैग सैफ अली खान का दावा है कि अंग्रेजों के आने तक भारत की कोई अवधारणा नहीं थी। बिल्कुल सही, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के बारे में थी और वास्को द गामा इंडिया नहीं फिजी गए थे। आखिरी बार इतिहास से प्रेरित होकर उन्होंने बेटे का नाम तैमूर रखा था। सैफ ने कहा कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ गलत है। फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर में उन्होंने मुगल जनरल उदयभान राठौड़ की भूमिका निभाई है। इसमें सैफ अली खान के उदयभान राठौड़ के किरदार को नेगेटिव दिखाया गया है, क्योंकि उसे औरंगजेब का वफादार बताया गया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।